नागिन 5 शुरू होने से पहले नागिन 4 के आखिरी एपिसोड में कुछ ऐसे राज खुलने वाले हैं जिनसे नागिन 5 के ट्रैक का भी जबरदस्त इशारा मिलने वाला है। नागिन 4 के आखिरी एपिसोड की शूटिंग भी शुरू हो चुकी है और जल्द ही आप नागिन 4 का वाइंड अप देखने वाले हैं। लेकिन नागिन 4 के एंड में आखिर किस ट्रैक के साथ आएगा बड़ा ट्विस्ट, अब इस प्लॉट से जुड़े कुछ खुलासे सामने आए हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि शलाका यानी कि रश्मि और देव अपने हनीमून के लिए गए थे, जहां वृंदा भी पूरे परिवार के साथ पहुंची थी। इस दौरान शलाका देव की कजिन सिस्टर बिली को मौत के घाट उतारती है। आगे आप देखेंगे कि जब वृंदा इस हत्या का पता लगाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी का लॉकेट और पैरों के निशान मिलेंगे। अब आगे विशाखा का वृंदा से सामना होगा और फिर वृंदा इस बात का खुलासा करेगी कि देव एक सामान्य व्यक्ति नहीं है और उसके पास कुछ शक्तियाँ हैं। इसके बाद वृंदा जो ही देव को मारने के लिए लाल टेकरी मंदिर ले जाएगी। इसके अलावा देव की बहन मिली वृंदा को बताएगी कि मंदिर के रहस्य को जानने के लिए उन्हें सबसे पहले नाग तंत्र प्राप्त करना होगा, जो केवल तभी होगा जब उन्हें रहस्य का पता चलेगा और ये रहस्य वास्तव में बेला से जुड़ा है। इसके बाद बेला जल्द ही वापस आ जाएगी और उसका पीछा करेगी, यहाँ तक कि शलाका भी वापस आ जाएगी। इसके समांतर विशाखा नागमणि का शिकार करेगी और आखिरकार वृंदा नाग तंत्रा को ढूंढ लेगी और बेला उसे बताएगी कि देव असल में निर्दोष है। दरअसल जब से एकता कपूर ने नागिन 5 के शुरू होने की अनाउंसमेंट की है और ये बताया है कि नागिन 4 एक जबरदस्त क्लाइमैक्स के साथ खत्म होगा, तभी से शो की ऑडियंस इसके नए एपिसोड के लिए काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। शो के नए एपिसोड 6 जुलाई से ऑन एयर कर दिए जाएंगे, जिसकी ऑफिशियली अनाउंसमेंट कलर्स चैनल्स ने भी कर दी है और इसी के साथ उठेगा नागिन 4 के सबसे बड़े राज पर से पर्दा। जी हां, दरअसल खबरें हैं कि शो का अपकमिंग एपिसोड मेजर ट्विस्ट के साथ शुरू होगा। अपकमिंग एपिसोड में ऑडियंस को काफी ड्रामा देखने को मिलने वाला है जो हर किसी को चौंका कर रख देगा। यानी साफ है कि आने वाले नए एपिसोड में ऑडियंस को भयंकर ड्रामा देखने को मिलने वाला है। खैर, अब देखने वाली बात तो ये है कि फिनाले का अंत किस नए ट्विस्ट के साथ होगा, क्योंकि हर बार एक नागिन के अंत में एक बिग हिंट जरूर छोड़कर जाती है।